हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल मी एंड ही ब्लॉग्स। सो गाइस, एज यू नो, यू कैन सी द बैकग्राउंड। ओके, सो समर के टाइम में वी आर इन हिल स्टेशन। यस, सो जस्ट टू एंजॉय। ओके, सो आज हमें कोडैकनाल में। सो द ट्रिप सो फार बहुत अच्छा गया, हमने रोड्स वगैरह बहुत अच्छे से कवर करके बहुत टाइमली पहुंच गए। वी प्लान्ड आवर ट्रिप वेरी वेल, यू कैन चेक दैट वीडियो देयर। सो टुडे इज डे टू, और डे टू में हम लोग क्या कर रहे हैं? डे टू में हम आपको बताएंगे कि कोडैकनाल में हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको जरूर जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे इन दिस वीडियो। या सो सी व्हाट हैपेंस इन कोडैकनाल, आप जब आते हो ना तो यहाँ पे छोटे छोटे वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं। सो इफ यू विल गूगल इट नाउ, यू विल फाइंड 35 वाटरफॉल्स, बट उतना तो आप नहीं घूम नहीं कवर कर सकते, इतना टाइम नहीं होगा। नो नो, एंड देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू दैट। ओके, सो बिकॉज टाइम भी तो है। Exactly, like हम अभी वीकेंड्स पे हैं। सो वी हैव यू नो फ्रॉम डैट वी हैव आइडेंटिफाइड 10 to 12 प्लेसेस। ओके, सो ये वीडियोज़ में हम आपको वो सारे 10 to 12 प्लेसेस जो हमने कवर किए हैं, दोज आर मोस्ट रेटेड प्लेसेस, वो बताने वाले हैं। हाँ, बताने वाले हैं। So let's get started. And channel पे नए हो तो please do subscribe कर लो यार, and skip मत करना video को, बहुत information। Yeah, if you are coming to Kodaikanal, I mean you don't want to, maybe you may not want to skip this video. But हमारा video देख लोगे, आपको सारी information मिल जाएगी। तो चलो फिर vlog को start करते हैं। So let's get started. चलो। सो गाइज, आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि कहीं से भी अगर आप यहाँ पे आते हो घूमने, तो एक चीज बहुत स्ट्रांगली आपको लेके आना चाहिए। So, व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, बिकॉज यहाँ पे चेकिंग्स चलते हैं, अननेसेसरी आपको फाइन देने पड़ जाएंगे। सो एटलीस्ट गाड़ी का PUC एंड इंश्योरेंस अगर चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी करा के अपने व्हीकल में रख लो, क्योंकि पता ना इंटरनेट काम किया नहीं किया तो मतलब। एंड बहुत स्ट्रांगली होती है चेकिंग, हमारे साथ भी हुई थी एंड हमारे पास था, थैंक गॉड। यस, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी थी। सो गाइज, आवर फर्स्ट प्लेस इज सिल्वर कैस्केड। ओके, सो इट्स अ वाटरफॉल, तो अभी हम चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं। एंड दैट वाटरफॉल इज अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल, बहुत सुंदर है। प्लीज आप स्किप मत करना इस प्लेस। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्लेस, एंड डोंट वरी, देयर आर मेनी प्लेसेस, विल कवर एवरीथिंग ऑल अलाउड। सो लेट्स गो। सो गाइज, ये है हमारा प्लेस नंबर 1, सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल। सो बहुत ही खूबसूरत, एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था, सिंस कि हम आफ्टरनून को पहुँचे थे, बट स्टिल वीकेंड थी तो ट्रैफिक तो होनी चाहिए, बट इट वाज ओवर क्राउडेड। तो हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए, एंड थोड़ी बहुत इन्जॉय किया हमने। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे आपको स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पे टी, कॉफ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हो नूडल्स, सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको जो खाना है आप खा लो। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्डर की, मैगी हमारा रेडी हो गया, कॉर्न, गोभी के पकौड़े, सब इन्जॉय किया, एंड उसके बाद से फिर हम यहाँ से निकलते हैं। सो बहुत अच्छी जगह है ये, हमने प्लेस वन देख लिया हुआ, कितनी प्यारी थी हमारी जो फॉल्स थी, वाटरफॉल्स। तो अभी हम जा रहे हैं प्लेस नंबर 2, एंड यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, सिंस कि हम वीकेंड में आए हैं तो ट्रैफिक इज रियली हॉरिबल। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ड्राइविंग, हम घूमने के लिए तो निकले थे बट हम कुछ घूम नहीं पाए ओनली बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो अब हम ये कर रहे हैं, आप देख सकते हो, लेकिन एक चीज़ है, हम लोगों ने फोटोज बहुत अच्छे लिए, कार में एंजॉय किया और यहाँ पे वीडियोस भी बनाए और व्यू भी बहुत अच्छा। और धीरज अपने मैगी खाने में जो बिजी है, आप देख सकते हो। ऑफकोर्स, क्योंकि मेरे को भूख लगा है, सुबह से मैं इन लोगों को घुमा रहा हूँ। और लिटरली ऐसा मतलब हो गया ना हमारे साथ कि अभी हमारे अंदर यू टर्न लेके जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पेशेंस नहीं है इतना। तो हमने सोचा मैगी खाते हैं, चाय वाय पीते हैं, एंड फिर यहाँ से हम निकलते हैं। क्या बोल रहे? मेरे पास ना चमचा है, मेरे को ना मैगी नहीं खानी आ रही है, फूक चाहिए मेरे। हाथ से खा लो, हाथ तो बिल्कुल टूटेगा। सो हूएवर हैज स्पोक, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और हमें लाके दे दो, आई विल कम टू टेक इट। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, शेयर दिस। एंड या, दिस इज कॉल्ड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ नथिंग इन अ बैड ट्रैफिक। या तो धीरज, आप कोडैकनाल के बारे में क्या बताना चाहते हो अपने व्यूअर्स को? जगह बहुत अच्छी है। यस,
बट वॉट आई फेल्ट कि अभी चारों ओर इतनी गर्मी है कि ऑल द पीपल फ्रॉम तमिलनाडु और अराउंड द स्टेट एवरीबडी इज कमिंग टू कोडाईकनाल. सो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो एंड देन ड्यू टू सम चेक पोस्ट ऑल्सो ना इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. बट ये टाइम इन नो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी यार कोई भी आ सकता है. बहुत अच्छी जगह है, व्यूज बहुत अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं. या नाइस यार, आई लव इट. सो गाइस हमने अपना मैगी एंड टी ब्रेक जो था ले लिया एंड अभी अपनी जर्नी हम यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं. एंड फिर हमारी गाड़ी आके यहाँ हो गई स्टक, फिर हम ट्रैफिक में फंस गए. नजर लग गई है, नजर लग गई है. देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. आई एम वेटिंग टू सी एटलीस्ट अ फॉरेस्ट. आई लव फॉरेस्ट एंड आई हैव टू मेक लॉट्स ऑफ रील्स देयर स्लो मो. एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टफ्स इन माय लिस्ट. यस, तो हम देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं. लेट्स सी. हां वही वही. सो गाइस फाइनली बहुत सारे ब्रेक लेने के बाद अभी हमारा ये स्टेटस है कि अभी भी हम ट्रैफिक में हैं. या और मैंने मेरी जैकेट भी उतार ली है, बहुत गर्मी लग रही है. और हमारा टायर्ड फेस तो आप लोग देख ही सकते हो. और द थिंग इज कि आई वुड सजेस्ट कि वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर कोडाईकनाल प्लीज प्लान ऑन वीकडेज. डोंट इफ यू हैव दैट गट्स टू वेट एंड पेशेंस टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक 4 hours, 5 hours इन ट्रैफिक देन यू प्लान और डोंट प्लान. ओके एंड ऐसा नहीं है कि हमने इंजॉय नहीं किया. एंड अगर आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है तो यस. एंड ऐसा नहीं कि हमने इंजॉय नहीं किया, वी एंजॉयड अ लॉट. बहुत मस्ती आई है. वी हैव सीन लॉट ऑफ गुड व्यूज. करेक्ट. वी टुक अ लॉट ऑफ रील्स एंड वी हैड लॉट ऑफ मैगीज, चाय. हाँ थोड़ी चाय भी अच्छी थी. ये एक अलग मजा था, बहुत मजा है. रास्ते पे ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक नहीं रहता है. सो एट दैट टाइम ना आप एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट पे रुक के ही व्यूज का नजारा ले सकते हो. ये एक फायदा है कि इसमें जो हमने ना मतलब सिंस के रुकते रुकते जा रहे हैं एंड देन हार्डली द वी आर मूविंग द व्हीकल ऑन फर्स्ट और सेकंड गियर 10 km/h तो हमने एक भी व्यूज मिस नहीं किए. आइदर दैट वाज अ कंपल्शन या फिर दैट वाज समथिंग एल्स, बट हमने एक भी व्यूज मिस नहीं किए. फोटोज बहुत अच्छे अच्छे लिए, वीडियोज बहुत सुंदर सुंदर सी लड़कियां सुंदर सुंदर सी रील बनाई हैं आज. योर लास्ट कमेंट उत्कल जी, आप क्या बोलना चाहते हो कोडाईकनाल के बारे में? हमारा एक्सपीरियंस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एट द एंड. एंजॉय द रूट्स रादर देन वेटिंग फॉर द व्यू पॉइंट्स. नाइस. सो गाइस एट द एंड हमने ये डिसाइड किया कि आई मीन नो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 4 आवर्स इन दिस लॉन्ग ट्रैफिक, हमने अभी तक होटल में आज का लिए जो चेक इन करना था वो नहीं किया है. So we thought of we'll not check in, instead we'll head back towards Bangalore. Okay, so we also spoke to our hotel owners. So kahin se kuch refund nahi mila. So they are saying no, it's not possible and all those things. So and one to online booking tha, wo bhi kuch nahi hua. But we thought of like na ki hum yahan 4 ghante traffic mein khade hoke hotel mein bas check in nahi kar payenge, kuch nahi ghum payenge. So we thought of na wo paise bhul jao and then instead let's it's worth going back to Bangalore. And Bangalore jaake kya karenge? हम लोग बैंगलोर जाएंगे और पार्टी करेंगे. पार्टी करेंगे. हमने बहुत बंदर देखे, मतलब बंदर तो देखे बट हमारे बगल में भी एक बंदर है. आप देख सकते हैं दो आगे भी हैं, बाहर भी बहुत सारे बंदर है और वहाँ पे भी एक बंदर है वहाँ बाहर है जो अभी नहीं दिख रही. और एक ड्राइविंग सीट पे और एक बंदर बाहर है. बंदर है, मेरे को ऐसे देख. यहाँ पे ऊपर आओ, इधर आ गया. तो अपने बंदर देख लिए होंगे. यहाँ पर भी है नाइस. और ये है बंदर, वर्चुअल बंदर कटूर. तो चलो फिर गाइस, अभी ये सिचुएशन है कहाँ की, कोडाईकनाल की. हम निकल चुके हैं एंड सी द रेन, इतनी तेज बारिश हो रही है. जाम में एंजॉय तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. हम निकले तो देखो कुछ तो अच्छा हुआ. एंड सच में बहुत तेज बारिश हो रही है लिटरली. सो आर यू एंजॉयिंग द रेन? यस आई एम टोटली एंजॉयिंग. आर यू एंजॉयिंग द रेन? या आई एम एंजॉयिंग द ड्राइविंग इन द रेन एंड ही इज एंजॉयिंग डूइंग द वीडियोग्राफी ऑफ इट. और बारिश खत्म. और देखो थोड़ा आगे आके बारिश खत्म. यस, थकने के बाद हमने लिया एक और ब्रेक. एंड नो अभी हमें चाय पी रहे हैं. हम चाय पी रहे हैं. मेरा नया लुक कैप्चर करो. यस, 334 किलोमीटर बैंगलोर तक जाने के लिए. वहाँ जाने के बाद हम ट्रैफिक देखते हैं क्या है. और ये बहुत डरती है कुत्ते से. और अभी बज रहे हैं
6:45 हो रहे हैं। आई होप गूगल हमें दिखा रहा है कि हम एक बजे तक एक बजे तक पहुंच जाएंगे। गाइस अभी बज रहा है 8:30 एंड हमने एक ब्रेक लिया और हमने आज एक एडवेंचर भी किया। आज हमने यहाँ बहुत ज्यादा एडवेंचर किया। हमको ना छाया में पता नहीं चला कि दैट वाज इन जेंट्स टॉयलेट और हम जेंट्स टॉयलेट में जाके वॉशरूम करके आए। देखो होपफुली वहां पे कोई नहीं था। होपफुली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज लाइक नेचर्स कॉल आता है तो अपन कहीं नहीं देखते एंड ओल्ड लेडीज तो वेयर डूइंग ऑन द जंगल एंड ऑल्सो वी आर नॉट लाइक दैट। अभी है डिनर टाइम सो 8:30 हो रहे हैं। हमने एक एनएच के पास अपनी गाड़ी पार्क की एंड अच्छा सा एक होटल मिला है तो यहाँ पे अपने करेंगे डिनर एंड फिर अपनी जर्नी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैंगलोर पहुँचने का जो टाइम है वो 1 बजे रात को दिखा रहा है तो लेट्स सी कि हम कितने बजे पहुँचते हैं। और कुत्ता आ गया तो लड़की मेरे पास आ गई। तो हमारा खाना आ चुका है एंड अभी हम डिनर करते हैं एंड फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो हमने ये सब चीजें ऑर्डर की है। एक मोहितो अभी ले आना ब्लैक कलर मोहितो इपर तन अंदर। रात के बज रहे 12 एंड हम पहुंच गए कहाँ हम पहुंच गए कृष्णागिरी एंड मैं सो के भी उठ गई। हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं एंड अनु इज सुपर एक्टिव पूरी रात जगी है। पूरी रात थोड़ी देर ली है मतलब बातचीत किया पूरी रात और नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही। अभी हम चाय का देख रहे हैं जहाँ मिल जाए हम रुक जाए। ले चाय का भी मिल गया तो हम चाय पीने अभी जा रहे हैं। मिलेगा बेकरी शॉप में मिल जाएगा। अभी रात के बज रहे 2 एंड फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच गए। सब लोग बहुत थके हैं तो अभी हम सोते हैं। सो चलो आज का आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर। स्टे सेफ।